नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार्टअप 186 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं Instagram के स्टोरी के कुछ सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और Instagram के स्टोरी के सेटिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने Instagram में चले जाएंगे। Instagram में जानवे दोस्तों, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा Instagram का अकाउंट है, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद दोस्तों आपको योर स्टोरी पे स्टोरी अपलोड कर लेना है, तो मैंने पहले से कर रखा हूँ। तो मैं योर स्टोरी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इंस्टेंट फेसबुक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 डैश का लाइन आपको दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। मोर के ऑप्शन पर, मोर के ऑप्शन पर क्लिक होगा दोस्तों यहाँ पर स्टोरी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। इस पर क्लिक होगा दोस्तों आपको यहाँ पर हेड स्टोरी फ्रॉम का ऑप्शन दे रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा 0 पिक्सल है, तो मैं किसी को स्टोरी हैंड नहीं किया हूँ। और आप यहाँ पर क्लिक करके जिसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका आपका Instagram का स्टोरी दिखाई ना दे, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं इस वाले अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूँ तो इस यूजर को मेरा Instagram का स्टोरी नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा। तो मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न आ गया है दोस्तों, तो यह हेड स्टोरी फ्रॉम है, तो इसका यह ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे में आपको दिख जाएगा पीपल का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लोज फाइल पर क्लिक करूँगा दोस्तों आपके सामने कुछ स्कूल का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने क्लोज फ्रेंड का नाम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों उनको ऐड कर लेना है, जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ, आप भी ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने से यह फ़ायदा होगा दोस्तों, ये आपके क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे। जब कोई आपको फॉलो करेगा तो आपके नीचे इनका भी Instagram का अकाउंट दिखाएगा फॉलो करने के लिए। तो दोस्तों इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने खास खास मित्रों को, तो आप अपने Instagram का फॉलोअर्स इनको भी दे सकते हैं। तो इसका यह ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अलाउ मैसेज रिप्लाई, तो दोस्तों कोई भी आप स्टोरी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस स्टोरी का मैसेज कौन कौन दे सकता है। तो मैं एवरीवन पर सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों, तो मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूँगा तो सबको दिखाई देगा और कोई भी मेरे को मैसेज कर सकता है स्टोरी का। अगर पीपल यू फॉलो पर क्लिक करेंगे तो जो आपको फॉलो किया रहेगा वही केवल आपको मैसेज कर पाएगा। अगर ऑफ कर देंगे दोस्तों तो आपको कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। तो मैं एवरीवन पर सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसका दोस्तों सेविंग का ऑप्शन आ गया, तो अगर दोस्तों ये ऑन रहेगा तो अगर आप कोई भी आप स्टोरी अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट आपके आपके मोबाइल के गैलरी में वो स्टोरी सेव हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद सेव टू आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख अलाउ रीशेयरिंग टू स्टोरी का ऑप्शन दिया है, तो मैं इसको ऑन कर रखा हूँ दोस्तों। ऑन करने से यह होगा दोस्तों आपका कोई भी Instagram का स्टोरी अपलोड करेंगे तो कोई भी बंदा आपका Instagram का स्टोरी शेयर कर सकता है, तो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। अलाउ शेयरिंग का ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी फोटो स्टोरी या वीडियो आप अपलोड करेंगे तो वह कोई भी बंदा फोटो और वीडियो को शेयर कर सकता है, तो इसका यह ऑप्शन है दोस्तों। उसका दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक, तो इसको भी मैं ऑन कर रखा हूँ। तो दोस्तों मैं कोई भी Instagram पर स्टोरी अपलोड डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पर भी वो स्टोरी शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो यही कुछ सेटिंग है दोस्तों Instagram स्टोरी की। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।